तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम लाइट ऐप के बारे में, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड अच्छा सा कमेंट कर देना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप की इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो यार आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम लाइट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना होगा एंड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इंस्टाग्राम लाइट। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हमने सर्च किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम लाइट, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया है तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपके मोबाइल में जो फेसबुक रहेगी यहाँ पर आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। दोस्तों यदि आपके मोबाइल में लॉगिन का ऑप्शन आ गया है तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप इंस्टाग्राम पर न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहां से आप नीचे से बना सकते हैं। यदि आपको न्यू अकाउंट बनाना नहीं आता है तो नीचे कमेंट आप कर दीजिए, मैं इस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलो अभी हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर बन जाएगा और आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हो आपकी आईडी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो चलो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर कैमरे का आइकन मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे होम का, सर्च का मिल जाएगा और यहाँ से पोस्ट करने का, एंड यहाँ से आपकी एक्टिविटी जो होगी देख पाएंगे, और लास्ट में आपका प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो होम से आप यहाँ पर एक्टिविटी देख सकते हो, मतलब जो फ़ोटो आपकी रहेंगी, कहने का मतलब ये है आपके जितने फ्रेंड रहेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, उनकी फ़ोटो। और दोस्तों नेक्स्ट बात आती है सर्च करने का। सर्च करने के लिए सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड ऊपर से आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर अलाउ हमें कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों हम अलाउ करेंगे तो अभी तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा हार्ट का, आप यहाँ पर देख सकते हो ये है एक्टिविटी का ऑप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी होंगी, यदि आपकी कोई प्रोफाइल लाइक करता है, यदि कोई आपकी फ़ोटो पर कमेंट करता है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल का, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आप यहां पर अपने फॉलोअर्स देख सकते हैं, एंड आपने जिस किसी को फॉलो किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों यहां पर आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं, कितनी आपने पोस्ट की हैं, और यहां से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप अपने यूज़र नेम डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ वेबसाइट का मिल जाता है, यदि आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हो तो यहाँ पर आप उसकी लिंक वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको बायो लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग मिल जाती है, आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल अपलोड कर सकते हो, मतलब अपनी एक फ़ोटो DP जिसे हम कहते हैं यहाँ से लगा सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद सेव वाले बटन पर आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ से आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। और यदि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहो तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट प्राइवेसी लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। और आप इसे ऑन करके आप अपने अकाउंट को प्राइवेट भी कर सकते हो। प्राइवेट से दोस्तों ये होगा कि आपकी जो भी प्रोफाइल रहेंगी वो दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, और आपके जो फ्रेंड रहेंगे वो भी दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, जब तक वो आपको फॉलो बैक नहीं करेगा वह नहीं देख पाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी आपको ये पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब मानना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप की इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय। और हाँ, अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखना।